मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। रेवाड़ी में वीरवार को एक बार फिर कोरोना के 29 रिकॉर्ड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें 6 छात्र भी शामिल हैं। 29 कोरोना संक्रमितों में रेवाड़ी शहर से 17, गढ़ी बोलनी से 1, गुरुटेक सोसाइटी से 1, धारूहेड़ा से 7, कोसली से 3 नागरिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट कर उनके संपर्क में आए लोगों की सैंपल प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,537 हो गई है। लोगों द्वारा की जा रही लापरवाही अब भारी पड़ रही है। बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी सैंपल प्रक्रिया तेज कर दी है। वीरवार को 749 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने रेवाड़ी में जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। इसके बावजूद लोग मास्क व कोरोना नियमों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। बाजारों में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन व विभाग बार बार लोगों को समझाने में जुटा हुआ है। यहां तक कि पुलिस द्वारा धड़ाधड़ चालान भी काटे जा रहे हैं, फिर भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। अगर यही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब नाइट कर्फ्यू के साथ अनेक परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ेंगी। उन्होंने बताया कि जब तक जिले के 85,000 लोगों का टीकाकरण किया गया है, आज भी स्टेट से उन्हें 21,000 डोज मिली है और कल तक 5,000 डोज रेवाड़ी पहुंच जाएगी। इसलिए सभी 45 वर्ष से ऊपर के लोग टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि अब तक जिले में 76 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 60 लोगों की उम्र 45 से ज्यादा थी। उधर नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ अशोक कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक 1,79,292 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 1,67,755 लोग नेगेटिव पाए गए हैं। शेष 11,537 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें से 11,362 नागरिक कोरोना को हरा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 76 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में विभाग द्वारा 749 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। अब जिले में 99 लोग कोरोना संक्रमण से एक्टिव हैं। केस है, आज 29 केस आए हैं, ये बात ठीक है। कोरोना हमारे पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा गति से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों में भय नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है और लोग ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, अनाप शनाप घूम रहे हैं, भीड़ में बाजार में जा रहे हैं। तो हमारी लोगों से यही अपील है कि जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना जाएं, अगर घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगा कर ही जाएं। इसके साथ साथ मेरे लोगों से ये भी अपील है, जो व्यक्ति 45 साल से ऊपर है, चाहे वो कोई भी काम करता है, वो अपना आधारयुक्त पहचान पत्र हमारे पास लेकर आए, फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर आए और हमारे यहाँ टीकाकरण कराए। हमारे ज़िले में लगभग हम रोज़ाना 30 से 40 जगह पर टीकाकरण तो कराते ही कराते हैं। जो स्पेशल कैंप होता है उस दिन हम 50 से 60 जगह भी टीकाकरण करा रहे हैं। तो जिसके जो भी नज़दीक पड़ता हो वो कहीं भी वहाँ टीकाकरण करा सकता है, अपना पहचान पत्र ले जाएं जिसमें फ़ोटो हो और डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। जो वैक्सीन शॉर्टेज थी वो हमारे पास अब नहीं है। आज हमारे पास 21,000 डोज कोविशील्ड की और आ गई हैं, कल हमारे पास 5,000 कोवैक्सीन की डोज आ जाएंगी। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि 45 से ऊपर वाले टीकाकरण ज़रूर कराएं, क्योंकि पिछले साल जो है हमारे यहाँ 76 डेथ हुई रेवाड़ी में, तो 76 में से 60 जो डेथ थी वो 45 साल से ऊपर के लोगों की थी। इसलिए मेरे लोगों से अपील है कि 45 से ऊपर वाले सभी जितना ज़्यादा हो सके टीकाकरण कराएं और इससे कोरोना से बचें। अब हमारे आज का जो बुलेटिन मैं देख रहा था उसके अनुसार हमारे 99 केस हो गए हैं, जो कि एक छोटे से जिला देखते हुए जिस गति से ये बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक